तरीके के डेवलपमेंट हमने देखे हैं और नंबर्स के हिसाब से बात करें या जो टर्न अराउंड पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड हमने देखने हैं, मतलब हमने जो देखा है बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसको देखते हुए सर ओवरऑल नंबर्स जो है काफ़ी ब्रिलियंट रहे हैं। कैसे देखे सर आपने नंबर्स और जो टर्न अराउंड हमें देखने मिल रहा है, जो इंटरेस्ट है लोगों का, फिर से एक बार उसके बारे में बात करते हैं सर। सब सर धन्यवाद सर। जो नंबर्स हैं वो नंबर्स इसलिए अच्छे हैं सर कि सिनेमा बिजनेस इस कंट्री में 100 साल से चलता आ रहा है और 100 साल में हमने बहुत सारे फिल्म देखे हैं जो यू नो उसमें हम शुरुआत से देखें जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा था, फिर कलर्ड हुआ, सिंगल स्क्रीन हुआ, मल्टीप्लेक्स हुआ, टेलीविजन आया, बीच में VCR VCD डेज आए, अभी OTT डेज चल रहे हैं। तो सिनेमा हमेशा से चला और चलता रहेगा और वही जो है नंबर में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर आप प्री कोविड देखें तो बिजनेस के नंबर जो आ रहे थे वो यू नो ऑल टाइम हाई आ रहे थे। अब वही नंबर वापस से रीस्टोर हो गए हैं क्योंकि अभी बिजनेस नॉर्मल हो गया है, कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पूरे कंट्री में। लोग सिनेमा देखने आ रहे हैं, लोग अपने घरों में परेशान थे लास्ट 2 सालों में, तो अब उनको कुछ तो चाहिए बाहर आने के लिए। कुछ बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं जब आप घर पे रहते हैं तो मेंटली आप बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। कोरोना का इशू था, फैमिली मेंबर्स बीमार थे, तो सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो इसलिए लोग वापस सिनेमा में आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कंटेंट भी काफ़ी अच्छा आया है। अगर आप मूवी पाइपलाइन देखें जो Q1 में रिलीज हुई है, उसमें RRR का कैरी फॉरवर्ड था, KGF रिलीज हुई है, उसके बाद विक्रम इसमें इसी क्वार्टर में रिलीज हुई है, और उसके साथ में जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई है। तो मूवी पाइपलाइन भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है ये सारे नंबर्स को। एंड ये जो है मिक्स है बेसिकली, वन एक तो लोग बाहर आना चाहते थे, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, और दूसरा कंटेंट काफ़ी अच्छा है। अब सर जिस तरह से स्पेंडिंग पर हेड जो हम कहते हैं उसमें अच्छा इजाफा हमने देखा है ऑलरेडी, और जिस तरीके के नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें, क्योंकि अब ट्रिपल डिजिट में आगे बढ़ रहे हैं SPH में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार ये ट्रिपल डिजिट के कैप में अगर आप एंटर हो गए तो उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ से अच्छा ग्रोथ आना जरूरी है। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है SPH में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सर। डेफिनेटली सर, सो अगर आप SPH में देखेंगे तो क्या है कि लोग जब 2 साल से जो बंद थे घर में, अब वो जब सिनेमा में आ रहे हैं तो वो खाने पीने के लिए भी सब कुछ चाहिए। हमने क्या किया, अपना मेन्यू काफ़ी एक्सपेंड किया है। हम आज की डेट में करीब 150 तरह के कुजींस जो है आज की डेट में हम अपने सिनेमा में ऑफर करते हैं खाने के लिए। लाइव किचन्स हमारे सिनेमा में जो जिससे कि जो है ना आदमी सामने देख सकता है कि उसके सामने क्या खाना बन रहा है और कैसे बन रहा है, डिफरेंट वेराइटी है, डिफरेंट टेस्ट है सर। सो सारा हमने बहुत सारे उसके अलावा कॉम्बिनेशन रीजनल भी किए हैं जहाँ पर कि लोकल डिशेस जो है ऑफर की जाती है, डिपेंड ऑन कि वो सिनेमा किस एरिया में है और क्या कौन से सिटी में है या कौन से राज्य में है। तो ये सबसे क्या हो रहा है कि और खाने में एक और चीज़ है कि कोई भी आदमी इंतजार नहीं करना चाहता, तो हम ये देख रहे हैं कि टच पॉइंट उसके पास हो बिल्कुल, हम उसके पास अगर वो सीट पे बैठा हो तो वहाँ भी ऑफर करते हैं, वो लॉबी में आके भी ले सकता है, उसके पास टच पॉइंट है जहाँ पे वो जाके बुक कर सकता है और जस्ट पिकअप कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शन मिलकर के जो है ना अट्रैक्टिव हो गए हैं और उसी की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा खाना खरीद रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं सर, डेफिनेटली हाँ। सो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में फूड का कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी जो फूड हैबिट चेंज हो रही है लोगों की, तो बाहर खाना खाना चाहते हैं, और सिनेमा में जब आते हैं तो उनको पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए। मतलब वो ये नहीं चाहते कि घर जाके वापस से खाना बनाए या बाहर जाके खाना खाए, मतलब वो सब चीजें जो बाहर निकलती हैं वो अंदर भी अवेलेबल है। डेफिनेटली सर, ये बात भी जरूरी है, हम ध्यान में रखेंगे। कैलाश जी, आखिरी एक मुद्दा जो है वो, अब क्लियरेंसेस तो मोस्टली सारे मिल चुके हैं नए सिनर्जीज के लिए PVR के साथ, तो फाइनली क्या कोई अपडेट, क्या कोई टाइमलाइन या कुछ देना चाहेंगे, और इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी रेशियो वगैरह तो सब इट इज ऑलरेडी इन पब्लिक, बट कैसे देख रहे हैं सर आप ये आने वाले जो वक्त है, ये जो सिनर्जीज नहीं रहेंगे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? तो अभी जो है NCLT प्रोसेस पूरा बाकी है सर, हमने एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल की है, ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसी साल में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज लीगल प्रोसेस है और रेगुलेटरी का भी अपना वे ऑफ वर्किंग है, तो वो सब चालू हो गया सर, बट वो पूरी उम्मीद है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में सारा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट कर लेंगे और आप एक नई कंपनी देखेंगे भाई बिफोर एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर या अगले साल की शुरुआत में। तो
हम उसी पे काम कर रहे हैं सर इस वक्त, तो पूरा फोकस उसी पे है। एंड फिर उसके बाद जो है एक बार कंपनी मर्ज हो जाएगी ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑर्डर से, तो उसके बाद डेफिनेटली सिनर्जीज भी देखेंगे आप और बहुत कुछ नया देखेंगे जो यू नो हम चाहते हैं हमारे दर्शक आए और देखें हमारे लिए।